आज हमारे खुफिया जासूसों के द्वारा पता लगा है कि पास ही में कहीं अफीम की स्मगलिंग चल रही है। यहाँ पर चाबी को हाथ में लेते हुए और स्मगलिंग करने वाले के कान में दो देते हुए हम यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी पता लगता है कि बाहर से किसी ने यहाँ पर ताला लगा दिया है। लगता है किसी को हमारे जाने की खबर मिल चुकी है। फिर हमने भी मांकालेश्वर का नाम लेकर ताले को दिया तोड़ और दुश्मनों को मार मार के बना दिया उनका मोर। वहाँ पर दोस्तों सरकार के द्वारा हमारी मदद के रूप में कुछ गाड़ियाँ भेजी गई। यहाँ पर हम गाड़ी में चाबी लगाते हुए और दुश्मनों को ढूंढने के लिए जाते हुए। बड़ी मशक्कत के बाद दोस्तों आखिरकार हमें दुश्मनों के ठिकाने का पता लग ही जाता है। यहाँ पर दोस्तों अभी वो आधी शटल खोलकर भाग चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने काफी बैगों में गांजा छुपा रखा है और हम भी इसी तलाश में अंदर चले जाते हैं कि शायद किसी एक बैग में से नूरा फतेह ही बाहर निकल आई। ना मिला नूरा का बाल, ना मिली नूरा। नूरा को ढूंढ ढूंढ कर हमारा हाल हो गया बुरा। बड़ी तफ्तीश करने के बाद दोस्तों हमें वहाँ मिलते कुछ सोने के सरिये है जिसका प्रयोग वो शायद किसी और काम में करते होंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। वहाँ पर पास में एक तोल काटा भी रखा हुआ था जिस पर वो गांजा तोल कर बेचा करते थे। और यहाँ पर कुछ गांजे की थैलियाँ भी रखी है जिसमें से वो 10-20 रुपए का खुला गांजा बेचा करते थे। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ गांजे के पत्ते वो इस थैली में बांध कर भाग गए थे। जैसे ही हमारी वहाँ पर नजर झपकती है एक नशेड़ी हमें बाइक पर गांजा ले जाते हुए दिख जाता है। उसे भागता हुआ देख कर हम उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। इतने में हमें भगवान दिख जाते हैं तो हम भगवान के नाम पर वहाँ पर रुक जाते हैं। आपको हम यहाँ का एक बार दर्शन करवा देते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। सबसे तो यहाँ पर आपको एक चेयर दिख जाएगी इनकी। यहाँ पर कूलर वगैरह और दूसरा आइटम भी यहाँ पर रखा हुआ है। उन अपराधियों को ढूंढना दोस्तों बहुत ही जरूरी था, इसीलिए हमने बुलाया हमारे सेनापति को और उनको काम दिया उन अपराधियों को ढूंढ के लाने का। कुछ ही टाइम में हमारे सेनापति उन अपराधियों को मार मार कर वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। इतना मारने की वजह से एक मुस्लिम का वहाँ पर पैर फ्रैक्चर हो जाता है। और फिर हम एक डॉक्टर साहब को बुलाते हैं उसका पैर ठीक करने के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर उसे हाथों में तेल देते हैं और उसे बोलते हैं कि ये तेल अपने पैरों पर लगा लो, कल तक ये पैर ठीक हो जाएगा। जब कि एक मुजरिम अपने पैरों पर ऑयल लगाता है हम अपने बाकी की प्रोसेस को आगे लेकर जाते हैं। दूसरे मुजरिम से पूछताछ करते हैं तो वो सच्चाई बताने से मना कर देता है। तो हम उसे सेलो चंदे देते हैं ताकि वो बाकी की जो भी सच्चाई है वो नशे में आकर बता दें। यहाँ पर हम मुजरिमों के कान के नीचे एक एक देते हुए और वो सेलो चंदे लेते हुए आगे की वीडियो दोस्तों हम आपको बताएंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद। बाय। खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।